जी आज तो बड़ा मज़ा आया, मंच काफ़ी बड़ा था, मास्टर शेफ इंडिया का ग्रैंड फिनाले आज विनर अनाउंस हुआ और हालांकि हमें कुछ खाने को मिला नहीं जिसके लिए मैं भी अपसेट हूँ। सोनाक्षी जी आपको मैं भी अपसेट हूँ जी। मुझे लगा कुछ अच्छा सा मेन कोर्स, कुछ डिजर्ट, कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ बिस्किट भी नहीं पूछा। बट बहुत मजा आया हमें एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जो जैसे जिस बैकग्राउंड से ये कंटेस्टेंट्स आए हैं एंड इनकी खुशी देखकर आज इन्होंने द विनर ने अपने माँ बाप का नाम इतना रोशन किया, बाकी दो कंटेस्टेंट्स को भी बहुत अच्छे प्राइजेस मिले, तो उनकी खुशी देखकर हमें बहुत खुशी मिली एंड वी आर रियली ग्लैड दैट वी केम हियर। बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना चाहूंगी कि मैं कोई खाना नहीं बना सकती। खाना बनाने का काम बहुत अच्छा काम मेरी मम्मा करती है एंड मेरे पूरे यूनिट एंड कोस्टार्स एंड डायरेक्टर सबको बहुत अच्छे से खिलाती है, तो आई कैन वाउच फॉर दिस। ही इज अ बिग फैन ऑफ माय मदर्स फूड एज वेल। तो मैंने उनकी सिंधी कढ़ी और सिंधी मटन और टूक बहुत दबा के खाया है 2-13 बार और लंच ब्रेक में खाना आता था खास इनके घर से, बड़े प्यार से इनकी मम्मी सबको खिलाती थी और उसके बाद कुछ काम नहीं होता था, सब लोग सुन एकदम अपनी दुनिया में रहते थे। पोस्ट लंच मैं ख्याली पुलाव बहुत कमाल का पकाता हूँ और ये मेरी स्पेशलिटी है। ख्याली पुलाव में आपने क्या बनाया सबसे? ये मेरी अगली रिलीज के लिए मुझे कोई अवार्ड मिले एक आध दो और बहुत सुपरहिट फिल्म रहे ये, तो ये ख्याली पुलाव मैंने मोस्ट रिसेंटली पकाई थी। India's newest master chef, Ripu Dhawan, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक सब कहते हैं छोटी उम्र में काफ़ी बड़ा धमाका कर दिया मैंने और मॉमलेट काफ़ी खुश है मेरे से कि आई थिंक कुछ करके दिखाया उनके सामने। Yes, I am an absolute foodie. I enjoy my food and I even though I don't cook it, I like to eat it and I like to lead a balanced lifestyle. So I eat my food as well and I work out. अभी तो फिलहाल 1 करोड़ मैंने मम्मी को दिए, फर्स्ट सैलरी मेरे नाम की और सबसे बिग अमाउंट में तो पहले पापा मेरे को दिए, उसके बाद वो जो मुझे देंगे मैं करूंगा, बाकी मैं आगे सोचूंगा कि मैंने अब आगे क्या करना। ये बात मैंने नोटिस की, इन्होंने पहला जो चेक आया 1 करोड़ का, कई लोग होते जो अपने पास रख लेते हैं, बट इन्होंने डायरेक्ट जाके अपने माँ बाप को दी एंड आई थिंक आगे जाकर इसी वजह से ये बहुत तरक्की करी। थैंक यू। मैंने भी अपनी पहली चेक मॉम डैड को ही दी थी।